बंद करो, जम्मू के डोगरों को लूटना, बंद करो, बंद करो, बंद करो,
परेशान क्यों कर रहे हैं सर? स्मार्ट मीटर पूरे देश में नहीं है, स्मार्ट मीटर पूरे 40 फुट या 30 फुट पे इसीलिए लगाए हैं कि आप रीडिंग देख नहीं सको। आपको क्या आ रहा है कोई पता नहीं, आपको मोबाइल पे आ जाएगा, आपको पे करना है, लेकिन आप चेक नहीं कर पाओगे कि कितना आपका रीडिंग वहाँ पे चढ़ी है, वो आपको देखना नहीं है। इसलिए ऊपर लगा रहे हैं ये, इसलिए लगा रहे हैं ऊपर क्योंकि आप देख नहीं पाओ कितनी रीडिंग आपकी चढ़ी जो मोबाइल पे आपकी, आपको पे करना है। मैडम यही तो उनकी हेरा फेरी है ना। मीटर लगा रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के मीटर लगा रहे हैं, जिस दिन ऑर्डर हुआ उस यार मीटर लगेंगे, जो पुराने लगे नए नहीं लगेंगे। इन्होंने सुबह 7 बजे आके मीटर टांगे यहाँ पे, इतनी देर से क्या ये सोए हुए थे? हम ये मीटर नहीं लगने देंगे अपने, हम लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे, इन शॉर्ट पूरा। देखिए एक चीज पूछना चाहते हैं एलजी साहब से, क्या आपके यूपी में स्मार्ट मीटर है? क्यों यूपी से आकर जम्मू के डोगरों को लूट रहे हो? कश्मीरी तो आपको मानते नहीं, लेकिन जम्मू के डोगरों को आपने क्या समझा है? जम्मू का डोगरा जाग गया हुआ है, जम्मू का डोगरा स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगा। जो लोग लगाना जो चाहते हैं अपनी चॉइस है वो लगाए, लेकिन गरीब जनता को, मध्यम वर्ग के अमीर आदमी को क्यों मारना चाहते हो आप लोग? जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत क्यों? जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिकल क्यों? जम्मू कश्मीर से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, ये पूछना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं, जो जम्मू के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, वो आज इनके साथ क्यों नहीं, वो पक्के डंगे में जनता के साथ क्यों नहीं? मैंने पहले ही कहा कि राजनीति ठेकेदार भी कोई जम्मू का नहीं है, सारे ठेकेदार बाहर से आए हुए हैं, और जम्मू का कोई आदमी काम नहीं कर रहा, कोई यूपी का, कोई बिहार का, सब बाहर के, कोई गुजरात का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, सब एम्प्लॉयमेंट बाहर वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ। और यूपी बिहार के लोग लूटेंगे हमें, ये मैं कहना चाहता हूँ, मत जगाओ डोगरों को। अगर डोगरा जाग गया, एक एक बिहारी को मार मार के बाहर निकाला जाएगा। वो दिन नहीं लाओ, मत लाओ बम बम बोलेगा टाइम, मैं कहना चाहता हूँ मत लाओ बम बम बोलेगा टाइम, मत लो डोगरों का इम्तिहान, मत लो डोगरों का इम्तिहान। हम डोगरे जो है वो पीसफुल तरीके से रहना जानते हैं, लेकिन इस तरह स्मार्ट मीटर के नाम से लूटोगे तो आने वाले कल में यहाँ बम बम बोले जैसा माहौल बनेगा। लेकिन इस बार माहौल जो होगा वो धर्म के नाम पे नहीं होगा, इस बार माहौल धर्म के नाम पे नहीं होगा, इस बार माहौल जो होगा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ेंगे। और किस लिए लड़ेंगे? कि स्मार्ट मीटर के नाम पे जम्मू के डोगरों को लूटना बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, जम्मू के डोगरों
ऊपर लूटना, बंद करो, कि पूरे जम्मू में, मैं पूरे जम्मू की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हाहाकार मचा हुआ है स्मार्ट मीटर को लेकर। मैं सभी राजनीति पार्टियों से कहना चाहता हूं, राजनीति भूल जाओ, भूल जाओ राजनीति। आप किसको वोट डालोगे, किसको नहीं डालोगे, भूल जाओ। इस टाइम स्मार्ट मीटर की रोक पे इकट्ठे हो जाओ, जिस तरह आज पक्के डंगे के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहा था, लेकिन हमने रुकवा दिया और अब स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। ये जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको। इसी जनता की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को जागना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब, किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? जब एक न्यूज में चला है, न्यूज ये कहती है कि J&K में OCR मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर जो है वो बंद हो गए। लेकिन आज फ्राइडे, चार अगस्त फ्राइडे को स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब एलजी जो मनोज सिन्हा जो यूपी से आया हुआ है, बेवकूफ बना रहा है जम्मू के डोगरों को। जब सिटी के बीच बीच में पक्का डंगा में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो कैसे न्यूज में आया कि स्मार्ट मीटर बंद हो गए? किस तरह जम्मू के डोगरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हम नहीं लगने देंगे जम्मू में स्मार्ट मीटर, चाहे कहीं पे भी हमें बुला लो, हम हर जगह पहुंचेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, जानीपुर, दुर्गा नगर, अपना तालाब तिल्लो, वहां पे इन्होंने प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट कर दिया और 10 से 15 हजार रुपया बिल आ रहा है। अब यही लगा लीजिए, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, जिनकी बिल्डिंग जो है, इनका मेन स्विच जो है वो बंद रहता है, और कई सालों से इनका जो किराया है 25 से 30 रुपए